नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल जैन चेस बेस इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज बना रहे हैं अमेच्योर कैटेगरी चेस प्लेयर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसका जो पार्ट थ्री हम लेकर के आए हैं यहाँ पर, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो दो टॉपिक किए वो टैक्टिक्स से रिलेटेड थे, और हमने देखा उसमें कि कैसे चेस बेस अकाउंट का हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन दोनों के दोनों हमारे वीडियोस को देखा है और आप उससे फायदा भी ले रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे अमेच्योर खिलाड़ियों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि ओपनिंग के बाद आखिर क्या करें, जैसे ही ओपनिंग खत्म होती है उसके बाद कैसे आगे बढ़ें। जनरली इसमें लोग दो तीन तरह से काम करते हैं। एक, कुछ लोग जो किसी खास तरह की ओपनिंग की स्टडी करते हैं तो वो फिर उससे रिलेटेड गेम्स देख करके आगे के प्लान ढूंढने की कोशिश करते हैं। दो, कई लोग जो होते हैं वो किसी बुक को स्टडी कर रहे होते हैं तो उस बुक के जरिए उसमें जो प्लान्स दिए होते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरली जो एक साधारण चेस प्लेयर होता है या कोई भी बड़ा प्लेयर होता है, प्लान तो ठीक है, उसे पता होते हैं, लेकिन अगर किसी पोजीशन को, जो कि बोर्ड पर लगातार पोजीशंस बदलती रहती हैं, तो उस हिसाब से पोजीशन को कैसे समझे और आगे बढ़े। इसका मतलब होता है कि चेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम विश्वनाथन आनंद या मैग्नस कार्लसन को कोई भी स्थिति दे देंगे तो वो उसका आकलन करेंगे पहले और उसके हिसाब से अपने प्लान बनाएंगे, ना कि जो पोजीशन सिर्फ पता होगी वो वहीं पे प्लान बना सकते हैं। और यहीं पर मुख्य अंतर आता है एक अमेच्योर खिलाड़ी और एक एक प्रोफेशनल प्लेयर, या जो थोड़ा सा हम जिसको स्ट्रॉन्ग प्लेयर करेंगे, दोनों में जो अंतर आता है वो ये खासतौर पर ये होता है कि पोजीशन की समझ। जैसे ही कोई पोजीशन बोर्ड पर आती है, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है, अगर वो पोजीशन नई है, ना कि आपने देखी है ना आपके अपोनेंट ने देखी है, तो वहां पर जो मजबूत खिलाड़ी होगा वो पोजीशन का आकलन बहुत अच्छे से करेगा और उसके हिसाब से वो सही प्लान बना पाएगा। जबकि अमेच्योर प्लेयर जो होगा, अगर उसने नहीं देखा है पोजीशन को इससे पहले, तो उसके लिए प्लान बनाने में ही सबसे बड़ी गलती होती है, भले ही पोजीशन उसकी अच्छी हो। तो यहाँ पर ना सिर्फ ओपनिंग के बाद की प्रॉब्लम है, बल्कि शतरंज में हर जगह आपको पोजीशन का आकलन करना आना चाहिए, स्थिति का आकलन करते हुए आना चाहिए। और कैसे करें, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करता हूँ। एक बुक है अमेच्योर माइंड करके एक किताब है, और ये किताब आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। मैं इसका यहाँ पे आपको आप देख सकते होंगे स्क्रीन में दिख रहा है, राइटर भी कौन है वो भी नज़र आ रहा है, ये बुक काफ़ी काम की है। दूसरी बुक फंडामेंटल चेस जो लिखी है आरबी रमेश ने, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी एक बुक है। जजमेंट एंड प्लानिंग एक किताब है, पुरानी किताब है, वो भी एक अच्छी किताब है। तो इन सभी किताबों में इस तरह की जानकारी आपको मिलेगी कि कैसे मिडिल गेम में आते ही, जैसे या ओपनिंग खत्म होती है तो उसके बाद आपको कैसे खेलना। खैर, जब आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मेनली हम डिस्कशन कर रहे हैं अमेच्योर माइंड बुक से, तो आप चाहें तो अगर आपके पास अमेच्योर माइंड बुक हो तो आप इस उस चैप्टर से इसको मिला सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये स्थिति जो बोर्ड पर आई है, ये 1993 में यूएसएसआर यूएस चैंपियनशिप में मुकाबला खेला गया, और इस मुकाबले में अगर चलिए हम कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देखेंगे कि आपको कुछ कुछ नजर आना लगेगा। सबसे पहले अब हमें, जब भी हम कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करनी चाहिए कि माइनर पीसेस कैसे हैं, पॉन स्ट्रक्चर कैसा है, स्पेस कैसा है बोर्ड पे, किसके पक्ष में स्पेस है, यहाँ पर मटेरियल की क्या स्थिति है, ठीक है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, फाइल्स एंड स्क्वायर्स का क्या हाल है, फिर यहाँ पर डेवलपमेंट में कौन आगे है पीछे है, फिर या किसी को इनिशिएटिव दिख रहा है क्या। अच्छा, ये अमेच्योर माइंड में आपको ये इतने ही पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है आरबी रमेश ने इसी तरह के की बात को समझाते हुए उसमें किंग सेफ्टी को भी डाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दरअसल यहाँ पर इनिशिएटिव या वीक फाइल एंड स्क्वायर में इस चीज को कवर किया गया है, बट अल्टीमेटली बात यह कि किंग की सेफ्टी भी हमें देखनी ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन में कंपेयर करें, माइनर पीसेस का कंपेयर अगर हम करें, तो अगर हम माइनर पीसेस में हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास दो बिशप हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन दो नाइट्स पर जो है वो भारी पड़ेंगे। तो अगर और ये नाइट तो जैसे वो कभी ना कभी जल्दी बाहर आ जाएगा, हम देखें तो बिशप C6 आके बैठ सकता है, इस पर प्रेशर डालने के लिए नाइट D7 आ सकता है, तो ये ब्लैक की माइनर पीसेस में ब्लैक थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर नजर आता है। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना शुरू करना है किसी भी स्थिति में, अच्छा माइनर पीसेस किसके अच्छे हैं ऐसा कंपेयर करना है।
अब दूसरे अपन कंपेयर करते हैं, दूसरा स्टेप पॉन स्ट्रक्चर। अगर हम पॉन स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वैसे जो पॉन स्ट्रक्चर है यहाँ पर ब्लैक का, वो काफी आपको देखिए सॉलिड ही दिखेगा। यहाँ पे 3 पॉन लगातार हैं ये, और यहाँ पर 4 पॉन है, तो पॉन स्ट्रक्चर कोई खास यहाँ पर ब्लैक का वीक नहीं है। लेकिन जब अगर व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर देखें, है तो यहाँ से यहाँ तक सब साथ में, लेकिन ये पॉन थोड़ी सी कमजोर नजर आती है यहाँ पर, थोड़ी सी ये पॉन कमजोर नजर आ रही है। ठीक है, अगला स्टेप पढ़ते हैं, स्पेस देखते हैं किसके पास है। तो स्पेस में बिल्कुल साफ है कि ये जो पॉन है E5 पर, इसकी वजह से स्पेस जो है किसके पास है, व्हाइट के पास ज्यादा है। तो अभी हमने देखा कि हमने कंपेयर किया माइनर पीसेस में, तो ब्लैक थोड़ा बेटर दिख रहा है, और पॉन स्ट्रक्चर में कंपेयर किया तो भी ब्लैक थोड़ा बेटर दिखता है, लेकिन स्पेस की जहां पे बात करते हैं तो व्हाइट थोड़ा बेहतर दिखता है। ओके, मटेरियल में यहाँ पर हम बात करें तो मटेरियल बराबर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। दोनों के पास जो है यहाँ पर 7-7 पॉन्स हैं, और माइनर पीसेस भी 3 हैं, और दो दो रुक हैं, क्वीन है, तो माइनर यहाँ पर मटेरियल तो इक्वल है। फाइल्स और स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर एक ये ओपन फाइल है, ठीक है, लेकिन इस ओपन फाइल पर दोनों के ही किसी ऐसे पीस का कंट्रोल नहीं है, ना तो रुक दोनों के एक्टिवेट नहीं है, तो इसका यूज होना बाकी है। स्क्वायर्स की बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए आपको ये कुछ खाने कमजोर नजर आता है, F6, फिलहाल F6 थोड़ा कमजोर यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, ओके, तो ये एक बात हो सकती है। तो F6 पोटेंशियली वीक कहेंगे, मतलब कि फ्यूचर में ये खाना कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पर, तो डेवलपमेंट पे अगर आप देखें तो व्हाइट का ऑलरेडी कैसल हो गया है, ऑलरेडी सारे माइनर पीस बाहर हैं बोर्ड पर, तो जबकि ब्लैक का भी नाइट बाहर आना है, कैसल होना है, तो डेवलपमेंट में ब्लैक थोड़ा सा पीछे है। तो यहीं पर हमें बात समझ में आती है कि थोड़ा सा कंपनसेशन व्हाइट की तरफ भी आता है, मतलब ब्लैक के पास एक दो चीजें बेहतर है तो व्हाइट के पास भी कुछ चीजें बेहतर है। हाँ अच्छा, यहाँ पर ये बात जरूर है कि ये जो कंपनसेशन है ये टेम्परेरी है, जो डेवलपमेंट का कंपनसेशन है। ओके, अब इनिशिएटिव अगर बात करें तो अभी व्हाइट और ब्लैक दोनों के पास कोई खास इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन अब हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है कि प्लान क्या होगा यहाँ पर। तो अगर हम तुलना करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्लैक का जो मेन प्लान होगा, ब्लैक तो यही चाहेगा कि बिशप यहाँ से निकाल करके, जो इस पॉन का डिफेंडर मेन है नाइट, तो इसको डिस्ट्रॉय करने की तैयारी की जाए, और नाइट D7 पे निकाल के इस पे जो है वो प्रेशर बढ़ाया जाए E5 के पॉन के ऊपर। अच्छा, व्हाइट के पास स्पेस जरूर है, लेकिन अभी अगर इन खानों का फायदा लेना है, मान लीजिए इन खानों का फायदा लेना है, तो आप इन नाइट्स को उतना मैनुवरिंग करके उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, वरना E5 के पॉन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब ये स्थिति थी, और यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने प्लान बनाने शुरू किया। तो अब व्हाइट की तरफ से क्या प्लान हो सकता है यहाँ पर, एक तो E5 का पॉन तो वो डिफेंड करना बहुत जरूरी है, दूसरा किसी तरह से अगर ये डबल बिशप का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाए तो वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि ब्लैक अपने पीसेस बेहतर करने वाला है, तो कैसे उसको अपने पीसेस को बेहतर करने से रोका जाए, ये भी एक जो है यहाँ पर सवाल है। अच्छा, तो यहाँ पर व्हाइट ने क्या किया, सबसे पहले व्हाइट ने यहाँ पर खेला Nb5 और C7 पर जो है वो प्रेशर डाला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब ब्लैक अगर यहाँ पर आप देखें कि C6 तो कर नहीं सकता है, नाइट C7 आ जाएगा, अगर डिफेंस के लिए नाइट A6 वगैरह निकालता है यहाँ पर, तो ये नाइट जो है वो फिर कभी इस E5 को प्रेशर डालने के लिए पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पर ब्लैक ने डिसाइड किया कि Bb5 जो है अपना बिशप एक दे दिया जाए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर एक बात और भी देख सकते हैं यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए कि आपने, जब मैं Nb5 खेलता हूँ यहाँ पर, अगर आप Nb5 पे यहाँ पर Bc6 खेलते हैं, तो देखिए अगली चाल में नाइट इधर आ जाता है, अब उसके बाद बिशप भी ले लेंगे और ये नाइट यहीं का यहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली बिशप के मूव्स खराब होंगे, मतलब समझ ले, अब आप नाइट D7 आओगे अगर, तो ये दिक्कत होगी, ये पॉन डबल हो सकता है, तो मतलब इसीलिए ब्लैक ने डिसाइड किया, इसी पोजीशन में ब्लैक ने Bb5 मार दिया, देना जरूरी था, वरना ब्लैक का जो थोड़ा कंपनसेशन आ रहा है E5 पे पॉन प्रेशर डालने का, वो खराब हो जाता। ठीक है, Bb5 चेक, C6, जैसे ही C6 बोर्ड पर चला। अच्छा, ये एक और आपको बात सीखनी है कि हर चाल के बाद काफी कुछ बदल रहा है बोर्ड पर, एक एक चाल से कुछ कुछ बदलेगा,
उस पे नजर रखनी है, और उससे बोर्ड पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पे उसके हिसाब से पोजीशन को हमको आकलन करना है। तो आप जैसे यहाँ पर देखें C6 चला, आप C6 चला तो बिशप C4 तो हट गए, लेकिन C6 चलने से क्या हुआ बोर्ड पर, D6 का खाना कमजोर हो गया। अब D6 और F6 का खाना तो कमजोर है, लेकिन इसका फायदा कौन उठा सकता है सही से, ये नाइट। पर इस नाइट के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आके इनका फायदा उठाए, क्योंकि E5 का पॉन वीक है, क्योंकि अगली चाल में आया नाइट D7। अब E5 पे क्या हो गया, प्रेशर और तगड़ा हो गया। अभी क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट रुक डिफेंड में लाए, तो इन्होंने एक पहले गुड ये कोशिश की, क्वीन D4 लेके आए वाइट। तो वाइट ने क्या किया, E5 पे सपोर्ट लगा दिया। अब ये मोमेंट था जब ब्लैक ने एक बार फिर से सही असेसमेंट किया, और जब कभी भी अपोनेंट के जो पीसेस हों आपको दिखे कि वो टाइट डाउन हो रहा है, मतलब किसी एक चीज को डिफेंस करने के पीछे उसका काफी समय जा रहा है, तो यहाँ पर कहते हैं कि आपको उसका जो एक्टिव पीस हो उसको बोर्ड से बाहर अगर आप कर सको तो आपको फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर बोर्ड पर ज्यादा एक्टिव पीसेस तो वाइट के हैं नहीं जो डिफेंड कर रहे हैं, तो क्वीन C5 लेके आया ब्लैक यहाँ पर आइडिया E5 पे, और प्रेशर और फोर्स कर रहे हैं वाइट को कि आप अपना क्वीन एक्सचेंज करो। ओके, उन्होंने एक्सचेंज किया, नाइट C5, रुक D1 ताकि D6 पे नजर बनाई जाए, यहाँ पे गुड मूव खेला रुक D8, जी हाँ रेडी टू एक्सचेंज। अब यहाँ पर ब्लैक जो है वो पोजीशन को सही तरीके से पढ़ पा रहा है, ब्लैक देख पा रहा है कि वीकनेस जो है वो किसकी तरफ बढ़ रही है, वाइट की तरफ, क्योंकि E5 का पॉन जो है वो कमजोर है। तो जैसे जैसे मोहरे कम होंगे उसका प्रभाव जो है डिफेंडर कम होते जाएंगे, मतलब जो लोग बचाने वाले हैं इसको वाइट ब्लैक जो है वो बेहतर होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जवाब दिया उन्होंने रुक इनटू D8, रुक इनटू D8, रुक D1 चेक, किंग E7। तो यहाँ पर वाइट ने खेला H4, स्पेस लेना चाह रहे हैं, दूसरा किंग को सेंटर की तरफ लाना चाहते हैं इस पॉन के डिफेंस के लिए, तो फ्यूचर में कुछ इस तरीके से किंग भी ऊपर की तरफ आएगा। ओके, सो यहाँ पर रुक D8। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चाल थी, तो ब्लैक ने देखा कि अगर रुक से रुक एक्सचेंज हो जाए, अब इस पोजीशन को आप ध्यान से देखिए, तो ब्लैक के पास किस चीज की कमी है वाइट के पास, डार्क कलर के बिशप की, तो इसको डिफेंड कौन कर सकता है, ये नाइट मूव नहीं हो रहा, ये नाइट मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये पॉन को सपोर्ट चाहिए मिनिमम 1। अब जब तक ये नाइट मूव नहीं होगा ये पॉन कभी ऊपर नहीं आ सकता, किंग को पहुंचने में 1, 2, 3 घर लगेंगे, व्हाइट का नाइट तो कुछ तो मतलब अगली चाल में नाइट D7 आएगा और पॉन मर जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सचेंज नहीं कर सकता है व्हाइट। तो व्हाइट ने क्या खेला, रुक E1। ओके, तो ब्लैक ने जवाब दिया A5, B3 हुआ, यहाँ पर A4 खेला। मैं कुछ आपको उस स्थिति पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको फिर से कुछ बताता हूँ। नाइट D7, अब फिर से E5 पर प्रेशर, मतलब ये दोनों फिर से टाइट डाउन हो गए। अभी टाइट डाउन का मतलब कि दोनों हिलने नहीं वाले हैं, अब इनके पास ज्यादा जगह नहीं बच रही है हिलने डुलने के लिए। ठीक है, किंग G2, किंग को लेके आने की जरूरत है ऊपर पर, तो नाइट B6 गुड मूव आया यहाँ पर, ताकि अच्छा यहाँ पर व्हाइट ने क्या किया कि व्हाइट ने बिशप को देने की तैयारी रख ली, क्योंकि अगर व्हाइट ब्लैक मान लीजिए व्हाइट ने खेला किंग G3, अगर ब्लैक ये मार लेता है तो व्हाइट की जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इस पे एक अटैक करने वाला कम हो गया, इसका मतलब है कि ये रुक अब फ्री हो सकता है और कुछ प्रोसेस कर सकता है, कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ये सारे स्क्वायर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल में है व्हाइट के, तो कोई एंट्री ही नहीं है रुक की कहीं पे भी। ओके, लेकिन जब किंग G3 खेला व्हाइट ने तो ब्लैक ने ऐसा कुछ नहीं किया, इस बिशप को नहीं लिया। तो ये कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपकी लगातार पोजीशन को कंपेयर करने पर डेवलप होगी। ओके, रुक A8 आ गए यहाँ पर, अब सो इन्होंने नाइट को थोड़ा फ्री किया एक मूव के लिए, उन्हें लगा कि थोड़ा फ्री कर सकते हैं, अगर नाइट इंटू C4 मारेंगे तो नाइट C4। उन्होंने सबसे पहले तो B3 एक्सचेंज किया ब्लैक ने, बिशप B3 उन्होंने मारा, नाउ रुक D8, प्रेशर नाइट पे, वापस नाइट F3 फोर्स है क्योंकि E5 पे प्रेशर है, एंड नाउ नाइट D7। तो अब फिर से ये दोनों को बंद कर दिया, मतलब अब अगली कुछ चाला में रुक और नाइट नहीं हिलते हैं क्योंकि ये पॉन प्रेशर में है। ठीक है, उन्होंने खेला किंग F4। अब ब्लैक के लिए एक आखिरी पीस बोर्ड पर लाना था और एक्टिवेट करना था इस पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो वो लेकर के आए रुक A8, गया रुक E2, एंड नाउ रुक A5। ये गेम इसके बाद काफी लंबा चला और ब्लैक ने जो है इसमें जीत दर्ज की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कंपेरिजन बोर्ड पर हम कर पाते हैं, कभी भी करना हो, जैसे अभी इसी पोजिशन पर भी अगर हम करें तो नेचुरली ब्लैक के पीसेस बेटर हैं क्योंकि व्हाइट के पीसेस पूरी तरह से डिफेंस में लगे हुए हैं। ठीक है, पॉन स्ट्रक्चर में भी जो है वो ब्लैक अभी भी बेटर है,
तो कोई भी डिसीजन आप जब बोर्ड पर लेते हैं तो वो बेस्ड ऑन इन सब बातों के होता है कि माइनर पीसेस की स्थिति क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा है, स्पेस कैसा है, मटेरियल इंबैलेंसेस कैसे हैं, फाइल्स और स्क्वेयर्स में किसका कंट्रोल है और डेवलपमेंट कैसा है। तो अब अगर हम इस स्थिति में देखें तो जैसे इस रुख को ही कंपेयर कर लीजिए, ये रुख अटैक कर रहा है, इसके पास जगह है, ये रुख पूरी तरह से बंद है और पूरी तरह से इसके डिफेंस में लगा हुआ है, ये रुख और भी कुछ कर सकता है, ये रुख ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो इससे आपको पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा मोहरा बेहतर है। तो कौन से मोहरे की जब आप तुलना करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। सजेशन क्या है कि आप जो है चेस बेस अकाउंट अगर आपके पास हो तो रोजाना आप लाइव गेम्स देखिए या जो मैच हो चुके हैं उनको जाके देखिए और पोजिशन के बीच में कोशिश करिए समझने की कि इन इनबैलेंसेस के जरिए कि बोर्ड पर इस समय क्या स्थिति चल रही है, बोर्ड पर किसका पॉन स्ट्रक्चर अच्छा है, बोर्ड पर किसके माइनर पीसेस अच्छे हैं, बोर्ड पर किसके पास स्पेस है, मटेरियल तो चलिए नॉर्मल बात है वो तो दिखेगा, फाइल और स्क्वायर्स में क्या हालचाल है, इनिशिएटिव किसकी तरफ दिख रहा है। ऐसा करने से रोजाना आपकी अंडरस्टैंडिंग चेस के लिए बढ़ती जाएगी और आप बेहतर खिलाड़ी बनेंगे। तो रोज करना ये है कि कोई भी कुछ गेम्स निकालिए, चेस बेस अकाउंट में जाइए, लाइव गेम्स देखिए या पुराने खेले हुए गेम्स देखिए और एक कॉपी पेन ले लीजिए और पोजीशन का आकलन करना शुरू कीजिए इन बिंदुओं के आधार पर। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चेस में वो बेहतर होती जा रही है और आप एक बेहतर खिलाड़ी के तौर पर नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा भाग, आपको कैसा लग रहा है अपने सुझाव हमें जरूर भेजें और हम और जो आपकी ट्रेनिंग में सुधार कर सकते हैं वो करेंगे और उम्मीद है कि इन सबसे आपका शतरंज जो है और बेहतर होगा। जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़ें हमारे चैनल से, साथ ही साथ हमारा एंड्रॉइड ऐप चेस बेस इंडिया डाउनलोड करना ना भूलें जिससे आप शतरंज की हर अपडेट से जुड़े रह सकते हैं। तो यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ और यूं ही देखते रहिए चेस बेस इंडिया। तो मैं निखिलेश जैन आप सभी से लेता हूं विदा, नमस्कार, जय हिंद।